अच्छा लग रहा है अम्मी को कि देख के मैं मतलब बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगता है। मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में ऐसी सजावट कभी नहीं देखी है और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज सुबह की मेहंदी है, थोड़ा से अंदर गम भी है लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज अम्मी इतनी खुश है और सब मेरे बम्बई सब लोग आए हैं, मेहमान सब लोग, उनको देख के यहाँ वालों को अम्मी बहुत खुश होता है। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक अच्छे सब कुछ हो जाए। तो आज हम लोग बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड है, फाइनली आज हमारा डांस परफॉर्मेंस है, यहाँ पर इतनी अच्छी डेकोरेशन भी तो करने में मजा आएगा। और हम लोगों को लगा नहीं था कि इतना बड़ा होगा, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। डेकोरेशन तो जैसा देखा था उससे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये बताओ खाने को क्या, पहले सबसे पहले सबा की शादी की मेहंदी अम्मी की लग रही है, पहली मेहंदी अम्मी की लग रही है। ठीक है क्यों
अरे ब्रेक नहीं क्या इसमें? दुल्हन बिजी है लेकिन हम दुल्हन को थोड़ा सा निकाल सकते हैं और दुल्हन से उसके दिल की बात जानना चाहते हैं कि उसको कैसा लग रहा है क्योंकि दुल्हन से उसके दिल की बात जाननी चाहिए ना। कुछ नहीं, दुल्हन स्पीचलेस है। ऐसे तो बोलूंगी तो बहुत सारा बोलती रहूंगी और अभी नहीं समझ आ रहा मैं ऐसे ही बहुत कैसे बोलूं। वैसे ही बहुत बोलती हूं, बोलती हूं, लेकिन अभी इस वक्त मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूं। मतलब शादी की फीलिंग हटा के ये जो आपने सबने डेकोरेशन कराया है, जो ये फील दिया है मुझे स्पेशल फील कराने के लिए, ये मतलब जितना पीपीटी और वो सब आप लोगों की मीटिंग्स में देखा था, ये था वो था, ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि क्या है। मतलब कुछ अलग ही, मतलब अनएक्सपेक्टेड, तो बहुत अच्छा लग रहा है। शादी का भी सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कल शादी है। अभी लग रहा है सच में कोई मेले में आई हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। बस आप मेहंदी लगा रही हूँ, थोड़ा सा आलस आ रहा है। हमारी चुनी जी कोशिश थी कि हम इसको फील करा सके रिहान को, ये हमारे लिए काम आएगा। फील लड़ना झगड़ना तो बहुत होता है। हाँ मी, हाँ जी बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अम्मी को तो बहुत खुशी हो रही है, बता नहीं सकती बस। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पापा के पास तो पापा क्या करना चाहेंगे, क्या बोले, क्या बोलना चाहेंगे, कैसे कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा लग रहा है देखिए, कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दुआ दे दो शालू को, दुआ दे दे शालू, शालू शालू के लिए बहुत दुआ है। कुछ बोला आपने? अच्छे लग रहे हैं बहुत। अच्छा, थैंक यू।
अरे हाँ, इन सब चीजों की करता धरता जो है, जो सारी शादी ये वो जिसने प्लान किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो शॉर्ट एंजॉय कर रही हूँ. इतने समय से इतनी सारी हम लोगों ने जो भी मेहनत की, सबने मिल के, जो हमने वीडियो कॉल पे अवेलेबल रह के, हमने पूरी टीम ने जो कुछ भी किया, आज जब वो सक्सेसफुली सब कुछ सामने है और बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इमेजिन किया. सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पे स्माइल है, तो बस हर एक चीज वसूल, हर एक मेहनत वसूल, और कुछ नहीं चाहिए. यस, एंड थैंक यू स्पेशली सबको, जलेन, अरिज, दृष्टि, नेहा, अक्षय, हाउस ऑफ दिवा, राइट, एंड बॉयज बच्चन स्पेशली, थैंक यू सो मच. हर चीज जैसे हमने सोची थी उसको वैसे ही पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए, वैसे ही देने के लिए. क्लैम वेडिंग, बहुत बहुत शुक्रिया अपने अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और सबा की शादी को एक यादगार शादी बनाने के लिए. तो अभी डांस हो जाए. हाँ, चलो अब डांस होगा. तो इन्होंने कुछ स्पेशल आपके लिए रेडी किया है, जो बहुत दिन से छुप छुप के जा रहे थे, आपको बता नहीं रहे थे क्या है क्या नहीं है, वो रेडी किया है. तो वो स्पेशल परफॉर्मेंस सारा की तरफ से, रिजा की तरफ से और रेहान की तरफ से अब आपके सामने आएगा. रेडियो नाक मत कटवाना, पक्का? चलो सॉरी, पहले से बोल दी मतलब सॉरी. चलो रेडी, तो ये रहे रिजा, रेहान और सारा आप सबके सामने एक बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस लेके हमारे दुल्हन साहब के लिए. तो हो जाइए शुरू, रेडी. Thank you.
परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा। और अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, कुछ और भी है? डेडिकेशन सॉन्ग एक और है, तो वो भी है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी, सबा के निकाह में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो, अभी तक हमारे ऊपर दीदी का राज चलता रहा है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इनकी शादी होने वाली है, अब कैसे राज चलेगा, और ये भी सोच रही होंगी कि मेरे जाने के बाद ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हम सुधरने वाले नहीं है, आप चाहे हमसे कितना भी दूर चले जाइए, हम आप तो आपके जाने से पहले हमारी तरफ से कुछ स्पेशल ओनली फॉर यू सबदी। जिस जोड़ी को ऊपर वाले ने खुद ही बनाई हो, उसे कौन ही तोड़ सकता है? राम जी, जोड़ी क्या बनाई? दीदी तो परफॉर्म कर ही नहीं रही और जीजू तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए हमने इनके लिए कुछ खास प्रेजेंट किया है। तो आप सब तैयार हो? तैयार है। जहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे, तेनू लेके मैं जावा, दिल देके मैं जावा। परफॉर्मेंस तो होती रहती है, आपको धमाका हो जाए। नाचो स्लो इट डाउन। ओए के तेरे संग यारा आंख लड़ने लगी, तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी। क्या बोलू, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, और बताए कि आप सबको बताया कि लास्ट में इतना दिन भर प्रैक्टिस के लिए जाते थे और मैम को इतना गुस्सा करती थी कि तुम लोग मेरे साथ टाइम नहीं बिता रहे हो। मैम को बहुत डांटती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा परफॉर्म करोगे। और मुझे तुम तीनों से हमेशा शिकायत रहती कि तुम लोग बाहर शर्माते हो, खुलते नहीं हो, और तुमने सारी मेरी शिकायतें दूर कर दी। मैं बहुत ज्यादा तुम तीनों पे प्राउड हूँ, क्योंकि जैसा तुम मेरे साथ में शूट भी कर रही हो, मेरी हेल्प भी कर रही हो, साथ में तुमने डांस प्रैक्टिस की। रेहान तो वैसे थोड़ा आलसी है, तो उसके बाद उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस, और सारा तुम्हारा टेंथ है, तुमने वीडियो कॉल पे बेटा सारी चीजें सीखी। आई लव यू, बहुत 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 थैंक यू, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आई लव यू यार। और मैं जितने दिन नहीं रहूंगी उतने दिन तुम लोगों को कोई भी शैतानी नहीं करनी है, और कोल्ड ड्रिंक भी कम पीनी है। अरे और जिन्होंने इतना मेहनत करके सिखाया है उनको तो मैंने थैंक यू भी बोला, क्योंकि दोनों का नाम सुन सुन के मैं थक गई हूँ, रोहन भैया और मैं भी।
रोहन को तो मैंने देखा है, मैंडी को नहीं देखा है, लेकिन नाम तुम्हारा बहुत बार सुना है, तो थैंक यू, क्योंकि इनसे इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकालना इतने कम टाइम में बहुत बड़ी बात है, तो तुमको भी थैंक यू। और इन सब की जो गाइड है, टीचर है, वो तो भाभी नहीं नहीं क्योंकि इन लोगों के मन में जो भी चीजें आती है वो तो सिर्फ बच्चों के दिल में रह जाती है, वो फिर भाभी के पास जाके शेयर करना, और इतने बिजी शेड्यूल में भाभी ये करके उसके बाद भी बच्चों को प्रॉपर टाइम देना, क्योंकि बीच बीच में जा रहे थे भाभी से ये शेयर करने, भाभी से वो शेयर करने, और भाभी ने इनको पूरा गाइड किया, सब कुछ किया, तो भाभी की तो खैर जितनी तारीफ की जाए कम है, तो भाभी ये सारी चीजों के लिए दिल से कितना भी थैंक यू करूं कम है, पता नहीं, बस आई लव यू। मतलब आपके ना, आप एक फरिश्ता टाइप हो हमारी फैमिली के लिए, कि इतनी सारी जिम्मेदारियां वहां 2 महीने पहले से, और यहाँ आके भी खुद के लिए टाइम ही नहीं है, मेकअप के लिए खुद के लिए टाइम नहीं है, खुद के कपड़ों के लिए टाइम नहीं है, खुद की तबीयत के लिए कुछ टाइम नहीं है, सिर्फ इधर इसका ये हो जाना चाहिए, उसका हो जाना चाहिए, बिना चिड़चिड़ाए, बिना गुस्सा हुए, इतनी सारी हेल्थ इश्यूज के साथ, नहीं सच में ये कोई मतलब नॉर्मल बात नहीं है, दुनिया ये बात कहती है और सच कहती है कि आप सच में ब्लेसिंग हो हमारे घर के लिए, और कोई चाह के भी आपकी तरह नहीं बन सकता है। सीरियसली आई लव यू, आई लव यू, और आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे, बस इसी तरह आप सलामत रहो, इसी तरह हंसती खेलती रहो, और हम सबका ख्याल रखते रहो, आई लव यू। आप सबके वास्ते कुछ भी मेरी जान है, मेरी फैमिली मेरी जान है, और मेरा गुरु है, बस ये गुरु। Thank you.
गया नाच धमाल आज फिर से, और मेहंदी की मेहंदी का जो थीम था, ये मेहंदी जो 20 को मेहंदी लग रही है मेला, वो हो रहा है, होने आया खत्म। अब तैयारी करनी मेहंदी बारात की। ऑलरेडी बज गया है 5:30 बजे अंधेरा लग रहा है। क्यों रेहान, इसका परफॉर्मेंस बड़ा सही रहा यार, इसका रिजा का रेहान का मस्त परफॉर्मेंस रहा। इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, ये चले आए हैं तो बड़ा ही अच्छा रहा, और सब कुछ थे, खाना पता था, चाट वाट सब थी, सब हो गया है। बाकी अभी पापा को भेज दिया है घर, अम्मी भी चली गई हैं क्योंकि अब वो चेंज करेंगे, और हम सब तो यहाँ कूलर के सामने बैठे हुए हैं हवा लेकर, अभी हम भी निकलेंगे फिर चेंज करेंगे, फिर मेहंदी बारात है। क्या बोलते हो? इस बार भी डांस करते हुए जाएंगे।